हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटोरियल्स बाय श्वेता आई एम श्वेता एंड मैंने मेरा जी कॉमर्स से क्वालिफाई किया है जैसे कि हमने पेपर टू कॉमर्स की यूनिट थ्री बिजनेस इकोनॉमिक स्टार्ट कर रखी है आज हम उसमें करेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम एक्चुअली थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का जो टॉपिक है उसके अंदर मेनली चार वीडियो बनी है फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को देखा था सेकेंड वीडियो के अंदर हमने देखा था कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर दो लोग आते हैं दो को स्टडी करना होता है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में तो सेकेंड वीडियो के अंदर हमने शॉर्ट रन एनालिसिस यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किया था थर्ड वीडियो के अंदर हमने लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल किया था लॉन्ग रन एनालिसिस एंड अब हम करेंगे फोर्थ वीडियो के अंदर प्रोड्यूसर्स इक्वलिब्रियम और आइसोक्वेंट कॉफ लेट्स गेट स्टार्टेड प्रोड्यूसर्स इक्विब्रियम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही होता है कि वो सिचुएशन जहाँ से कोई भी हटना नहीं चाहेगा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इज द सिचुएशन इन विच द प्रोड्यूसर इज अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट्स जहाँ पर प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा वो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा अ प्रोड्यूसर एम्स एट मैक्सिमाइजिंग हिज प्रॉफिट देयर आर वेरियस अल्टरनेटिव्स ओपन टू अ प्रोड्यूसर ही हैज़ टू डिसाइड द बेस्ट अल्टरनेटिव

प्रोड्यूसर की इक्विलिब्रियम सिचुएशन को बताने के लिए यूज किया आइसोक्वेंट कर्व आइसोक्वेंट कर्व वो कर्व है जिसके थ्रू प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं अब आइसोक्वेंट कर्व है क्या आइसोक्वेंट कर्व अब आइसोक्वेंट दो वर्ड से मिलके बना हुआ है आइसो प्लस क्वांट आइसो का मतलब होता है इक्वल या फिर सेम एंड क्वांट का मतलब क्वांटिटी इसका मतलब सेम क्वांटिटी ओके तो आइसो क्वेंट कर्व वो कर्व होता है जो सेम क्वांटिटी को शो करता है एट डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर इनपुट्स मतलब दो फैक्टर इनपुट्स को यूज करके ऐसे कौन कौन से कॉम्बिनेशनस हैं ऐसे कौन कौन से कॉम्बिनेशन फैक्टर इनपुट के बनाए जो प्रोड्यूसर को इक्वल आउटपुट देगा इस आइसोक्वेंट कर्व आइसोक्वेंट कर्व इज डेड कर्व विच शोज द डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर इनपुट्स बिल्डिंग द सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट दो फैक्टर इनपुट्स के वो कॉम्बिनेशन जो सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट को शो करे इज आइसोक्वेंट कर्व आइसोक्विंट कर्व जैसे मैंने बताया आइसो का मतलब होता है इक्वल तो आइसोक्विंट कर्व को इक्वल प्रोडक्ट आइसो प्रोडक्ट और प्रोडक्शन इन डिफरेंस कर्व भी बोलते हैं अब आइसोक्विंट कर्व को कर्व के थ्रू और टेबल के थ्रू देखते हैं हमने पढ़ा कि आइसोक्विंट कर्व के लिए दो फैक्टर इनपुट्स के कॉम्बिनेशन को शो करना है तो दो फैक्टर इनपुट ले लिए एक कैपिटल एंड अनदर इज लेबर अब इनके ऐसे कॉम्बिनेशन बनाओ जिससे आउटपुट सेम मिले देखो मिल तो तो आउटपुट सेम मिल रहा है हर बार हंड्रेड 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 अब ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं जिससे हंड्रेड मिले अब अगर कैपिटल नाइन्टी लगा रहे हैं एंड लेबर टेन लगाते हैं तो भी आउटपुट हंड्रेड मिलता है नेक्स्ट कैपिटल सिक्सटी लगाते हैं लेबर ट्वेंटी लगाते हैं तो भी हंड्रेड आउटपुट मिल रहा है कैपिटल फोर्टी लगाते हैं लेबर थर्टी लगाते हैं तो भी हंड्रेड एंड कैपिटल थर्टी एंड लेबर फोर्टी तब भी हंड्रेड आउटपुट ही मिल रहा है तो यहाँ जब कर्व बनाएंगे तो ये कर्व रहा ये कर्व वो कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है जो सेम लेवल ऑफ आउटपुट दिखाते हैं ओके अब प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्वेंट कर्व आइसोक्वेंट कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड आइसोक्वेंट कर्व जो होता है उसका स्लोप डाउनवर्ड होता है ये फिगर में पता चल गया डाउनवर्ड क्यों होता है क्योंकि एक फैक्टर इनपुट को बढ़ाने के लिए दूसरा हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा दूसरे को कम करना पड़ेगा तभी तो हम एक को बढ़ा रहे हैं दूसरे को हमें कम करना पड़ेगा तभी तो सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिलेगा तो इसलिए इसका स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है आइसो कोवर कन्वेक्स टू दी ओरिजन कर्व कॉन्वेक्स होता है टू आइसोक्वेंट कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट इच अदर अगर दो आइसोक्वेंट कव बना रखे हैं तो वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे द हाइयर द आइसोक्ंट कव द हाइयर द लेवल ऑफ आउटपुट इट रिप्रजेंट आइसोक्वेंट कव जितना ऊपर होगा जितना हाई होगा उतना ही आउटपुट ज्यादा शो होगा ये है आइसोक्वेंट कव वन एंड दिस इज आइसोक्ंट कव टू तो आइसोक्वाइंट कव जितना ऊपर होगा वो ज्यादा आउटपुट को शो करेगा अब इसमें ये शो हो रहा है कि आइसोक्वाइंट कर्व के अंदर जो आउटपुट है वो कम है एज कम्पेयर टू आइसोक्ट कर्व टू स्लोप ऑफ आइसोक्ट कर्व इज द रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ वन इनपुट फॉर अनदर अब आइसोक्ंट कर्व की प्रॉपर्टी तो देखी बट आइसोक्ट कर्व का स्लोप क्या है आइसोक्ट कर्व का स्लोप वो है जो ये बताएगा कि हम एक इनपुट को कितना सब्सटीट्यूट करें दूसरे के लिए हमें एक इनपुट बढ़ाना है तो हमें दूसरे वाले को कम करना पड़ेगा तो हम किस रेट से कर रहे हैं उसको बोलते हैं स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट कर्व एंड दिस इज एम आर टी एस मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट कर्व इज द रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ वन इनपुट फॉर अनदर इट शोज हाउ वन इनपुट कैन बी सब्सिट्यूटेड फॉर अनदर वाइल होल्डिंग द आउटपुट कॉन्स्टेंट एक इनपुट को दूसरे के लिए हम कैसे सब्सटीट्यूट करें जिससे आउटपुट सेम रहे आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा आउटपुट कांस्टेंट ही रहेगा हम सिर्फ फैक्टर्स जो है उनको आपस में चेंज कर रहे हैं तो कर्व क्या हुआ चेंज इन कैपिटल नेक्स्ट रिज लाइंस रिज लाइंस इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिज लाइंस वो लाइन होती है जो ये शो करती हैं एक रीजन को शो करती है कि जिस रीज़न के अंदर अगर प्रोडक्शन करते हैं तो वो ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा ठीक है हम मान लो ये आई सो वन है या आई सो टू है ये थ्री है एंड दिस वन इज़ फोर अब आई सो पॉइंट वन पर अगर प्रोडक्शन करते हैं बेशक इस पॉइंट पर करें या इस पॉइंट पर करें या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, पर या इस पे इस पे, कहीं पर भी अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं सॉरी ये वन की था ना हाँ कहीं पर भी अगर करते हैं आउटपुट तो सेम ही आएगा अगर आइसोक्वेंट वन के कर्व के किसी भी पॉइंट पर करते हैं तो आउटपुट सेम आएगा सेम अगर आइसोक्वेंट टू को देखें तो आइसोक्वेंट टू के अंदर यहाँ पर करें यहाँ पर करें या यहाँ करें यहाँ कहीं पर भी कर रहे हैं आउटपुट तो सेम आएगा बट इकोनॉमिकल कहाँ होगा उसको एक्सप्लेन करता है रिच लाइन्स अब ये क्या तो रिज लाइन्स करता है जो ये पॉइंट्स हैं इस एरिया को ये है रिज लाइन्स आउटपुट सारी जगह सेम आएगा बट हो सकता है कॉस्ट में फर्क हो तो इकोनॉमिकल कहां होगा उसको रिप्रेजेंट करता है रिज लाइन्स लाइन्स विच रिप्रेजेंट द लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन आर कॉल्ड रिज लाइन्स रिज लाइन्स ज्वाइन ऑन डिफरेंट आइसोक्वेंट कर्व्स इकोनॉमिक लिमिट्स ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट डिफरेंट आइसोक्ट कर्व के पॉइंट्स को ज्वाइन करके वो एक रीजन बताना जहां पर प्रोडक्शन करना इकोनॉमिकल होगा इज रिच लाइन्स ओके अब आइसोक्ट मैप जब बहुत सारे आइसोक्ट कर्व को एक ही जगह शो किया जाता है उसको आइसोक्ट मैप बोलते हैं Isoquant map refers to the family of isoquant curve placed in one diagram. Isoquant map को family of isoquant curve भी बोलते हैं और जब बहुत सारे isoquant curve को एक ही diagram में show करें isoquant map कहलाता है। But each isoquant indicates different quantities of variable factor inputs. ठीक है अभी यहाँ पे हम इकट्ठे एक, एक ही diagram के अंदर show तो कर रहे हैं सबको लेकिन अलग-अलग isoquant curve अलग-अलग output को represent करेगा। अब जैसे यहाँ पर अगर आइसो क्वाइंट वन आईसो टू एंड आईसो क्वाइंट थ्री इकट्ठा शो कर दिया इज आइसो मैप बट ये रिप्रेजेंट करेगा कि आइसो क्वेंट थ्री जो है वो सब उस वो सबसे ज्यादा आउटपुट दे रहा है देन आइसो क्वेंट टू एंड आइसो क्वाइंट वन आइसो वन सबसे कम आउटपुट दे रहा है तो आउटपुट डिफरेंट डिफरेंट शो करेगा डिफरेंट आइसो कर्व डिफरेंट आउटपुट को शो करेगा बट जब उन सबको एक ही जगह पर शो करते हैं इज आइसो मैप जितना ज्यादा आइसोक्ट कर्व होगा उतना ही ज्यादा आउटपुट रिप्रेजेंट होगा द हाइअर द आइसोक्ट कर्व द हाइयर ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट इट रिप्रेजेंट ओके अब आइसो कोस्ट लाइन अब तक हमने करा आइसो कर्व, मतलब इक्वल क्वांटिटी कर्व जो शो करे इक्वल क्वांट, क्वांटिटी को इक्वल आउटपुट को अब हम करेंगे आइसो कोस्ट आइसो कोस्ट शो करता है इक्वल कोस्ट को मतलब बजट सेम है जितने भी फैक्टर इनपुट लगा रहे हैं फैक्टर उसको आपस में चेंज करो लेकिन कोस्ट जो है वो सेम आएगी उसको जो रिप्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं आइसो कोस्ट लाइन आइसो कोस्ट आइसो का मतलब इक्वल एंड कोस्ट का मतलब कोस्ट मतलब इक्वल कोस्ट एंड आइसो कोस्ट लाइन इज डैट लाइन विच शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स डैट विल रिजल्ट इन द सेम लेवल ऑफ टोटल कॉस्ट डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करना जिनसे टोटल कॉस्ट सेम आएगी इट रेफर्स टू दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स डेट अ फर्म कैन ऑप्टेन एट सेम कॉस्ट तो आइसो कोस्ट लाइन वो रिप्रजेंट करती है कि एक फर्म कॉस्ट उसने फिक्स कर ली कितनी कॉस्ट है तो उस कॉस्ट के अंदर कैसे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन फॉर्म यूज कर सकती है इस आइसोकोस्ट लाइन अब देखो कॉस्ट टोटल एक्सपेंडिचर टोटल कॉस्ट फिक्स है हंड्रेड अब डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो करना कि हंड्रेड है वो आएगा कैसे हम क्या कम करें या क्या ज्यादा करें कि उसका जो टोटल कॉस्ट हो वो हंड्रेड आए लेबर का प्राइस रखा है रुपीज टेन एंड कैपिटल का प्राइस दे रखा है रुपीज ट्वेंटी जब आइसो कॉस्ट लाइन को स्टडी करते हैं तो जरूरी है कि पता हो फैक्टर इनपुट्स की प्राइस क्या है तो यहाँ पर प्राइस ले लिए लेबर का टेन एंड कैपिटल का ट्वेंटी अब अगर लेबर का टेन है तो अगर टेन लेबर लगाते हैं टेन टेन जा हंड्रेड तो टोटल होगी हंड्रेड तो इसका मतलब लेब कोट जो कैपिटल है वो ज़ीरो लेना पड़ेगा क्योंकि

बताए ठीक है ऐसे ही यहाँ पर जब कर्व बनाते हैं तो ये बन गया क अब ये ये शो करता है कि बजट जो है जो टोटल कोस्ट आ रही है वो इतनी ही है इसके बाहर नहीं जाना इस पर ही कौन-कौन से कॉम्बिनेशंस कैसे-कैसे फैक्टर इनपुट्स को यूज करें वो रिप्रेजेंट करना इज आइसोकॉस्ट लाइन अब हमने आइसोक्वेंट कर्व का स्लोप किया एमआरटीएस अब देखते हैं आइसो कोस्ट लाइन का स्लोप स्लोप ऑफ द आइसो कोस्ट लाइन रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ इनपुट दैट इज लेबर एंड कैपिटल व्हेन द प्राइस ऑफ वन चेंजेस रिलेटिव टू द प्राइस ऑफ अनदर अब ये यही शो करेगा कि एक के प्राइस में क्या चेंज आया दूसरे वाले से या जो दोनों के प्राइसेस को शो करे कि लेबर की प्राइस क्या है एंड कैपिटल की प्राइस क्या है उसको शो करना स्लोप ऑफ आइसो कोस्ट लाइन ओके अब ये इससे ये पता चलता है कि जो लाइन है अगर प्राइसेस चेंज हो रहे हैं अगर मान लो लेबर के प्राइसिस बढ़ रहे हैं या कैपिटल के प्राइसिस कम हो रहे हैं तो प्राइसिस अगर चेंज हो रहे हैं तो उनके हिसाब से अपने इनपुट जो लगा रहे हैं उनमें चेंज क्वान्टिटी जो हम लगा रहे हैं उनमें चेंज आएगा लेकिन जो लाइन है वो शिफ्ट नहीं होगी अगर आइसो कॉस्ट लाइन फिक्स कर देगी टोटल एक्सपेंडिचर इतना होगा तो उतना ही होगा अगर प्राइसेस चेंज होते हैं तो प्राइसेस के हिसाब से एडजस्ट करो एंड कॉम्बिनेशन को बनाओ बट कॉस्ट वही ही आएगी ओके अब देखते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम जिसके लिए हमने ये पूरी महाभारत पढ़ी ओके प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम प्रोड्यूसर वहां पर इक्विलिब्रियम में होगा जहाँ पर उसकी जो टोटल क्वांटिटी है जो टोटल आउटपुट है वो मैक्सिमम होगा एंड कॉस्ट कम होगी तो मैक्सिमम आउटपुट एंड मिनिमम कॉस्ट उस पॉइंट पर प्रोड्यूसर इक्विब्रियम पे होगा तो अब उसकी कंडीशंस क्या हैं हमने दो चीज़ें पढ़ी आइसो कर्व एंड आइसो कोस्ट लाइन इन दोनों को यूज करके प्रोड्यूसर्स का इक्विब्रियम पॉइंट पढ़ेंगे अब दो कंडीशंस है प्रोड्यूसर्स इक्विब्रियम के लिए पहली स्लोप ऑफ आइसो कर्व इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसो कोस्ट लाइन आइसो कर्व का जो स्लोप होगा वो आइसो कोस्ट लाइन के स्लोप के इक्वल होगा उस पॉइंट पर प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा ओके okay? यहाँ पे देख भी सकते हो कि चेंज इन कैपिटल लेबर अपॉन चेंज इनि चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन लेबर इक्वल टू प्राइस ऑफ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल उस पॉइंट पर प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम हो जाएगा एंड सेकंड कंडीशन जो आइसो कर्व होगा वो कॉन्वेक्स टू ओरिजन होना चाहिए एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आइसो ओके अब देखो कर्व बनाया ये लाइन बना दी एंड दिस इज आइसो अब किस पॉइंट पर सेम होगा हमने कहा कि जहां पर दोनों के स्लोप इक्वल होंगे वो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा अब अगर देखें ई e पॉइंट पर भी तो इक्वल हो रहा है और एफ पॉइंट पर भी इक्वल आ रहे हैं तो इन ये क्यों नहीं लिया क्योंकि हमने पढ़ा था कि हाइयर द आइसोक्वांट कर्व हाइयर द आउटपुट तो कोई भी प्रोड्यूसर यहाँ पर क्यों रुकेगा अगर उसके पास आगे क्वांट बन रहा है आगे, आगे आईसो कर्व टू है यहाँ पर तो वो यहाँ क्यों रुकेगा तो इसलिए ई e और एफ इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होंगे फिर आगे देखते हैं माइसो क्वान्ट थर्ड वाला जहां पर टोटल आउटपुट थ्री हंड्रेड है अब ये तो प्रोड्यूसर का हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो आउट ऑफ कॉस्ट हो गया ये तो टोटल कॉस्ट के बाहर ही हो गया तो यहाँ पर तो कभी नहीं होगा तो इसलिए कहाँ पर होगा प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट पी पॉइंट पर क्योंकि पी पॉइंट पर दोनों के स्लोप भी इक्वल है एंड वो कॉन्वेक्स टू दी ओरिजन भी है तो इस पॉइंट पर हो जाएगा कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स का इक्लिब्रियम पॉइंट ओके फॉर अटेनिंग प्रोड्यूसर नीड्स टू अपटेन अ कॉम्बिनेशन डैट हेल्प इन प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम आउटपुट विथ लीस्ट प्राइस इक्विब्रियम पॉइंट अटेन करने के लिए प्रोड्यूसर को वो कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ेगा जहां पर आउटपुट मैक्सिमम हो एंड कॉस्ट मिनिमम हो आप देखते हैं एक्सपेंशन पाथ याद हमने पीछे रिज लाइंस करी थी रिज लाइंस वो एरिया शो करती है जहां पर प्रोडक्शन करना इकोनॉमिकल होता है रिज लाइंस वो एरिया शो करती है कि इनके बीच में हमें प्रोडक्शन करेंगे तो वो इकोनॉमिकल होगा बट एक्सपेंशन पाथ वो पॉइंट्स को ही शो करता है कि जो एरिया था उसके अंदर भी कहाँ पर प्रोडक्शन करें किस पॉइंट पर इकोनॉमिकल होगा वो उस पॉइंट को भी शो करता है वो होता है एक्सपेंशन पाथ देखो अब डिफरेंट डिफरेंट कर्व थे या आइसोक्वाइंट कर्व आइसोक्वांट कर्व वन आइसोक्वांट कर्व टू अब डिफरेंट डिफरेंट आइसोक्वांट कर्व पर कहाँ पर वो इकोनॉमिकल होगा किस पॉइंट पर इकोनॉमिकल होगा वो बताएगा एक्सपेंशन पाथ रिज लाइन्स हमने की थी वो ऐसी थी ये रिज लाइन्स का एरिया था अब इस एरिया के अंदर भी कहां पर करे तो वो बताएगा जैसे इस एरिया के अंदर यहां पर यहां e, E1 वन एंड ई इन पॉइंट्स पर करेंगे तो वो ज्यादा इकोनॉमिकल होगा एंड जब उन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे वो जाते एक्सपेंशन पाथ ओके एक्सपेंशन पाथ रेफर्स टू दॉकर्स ऑफ ऑल सच पॉइंट्स दैट शोज लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स कॉरस्पिंग टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट वही बताएगा डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट पर किस पॉइंट पर लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर होगा या हम ये भी बोल सकते हैं इट इज डैट लाइन लीस्ट कॉस्ट मैथड ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट वेन फैक्टर प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट जब फैक्टर प्राइस को हमने मान लिया कि वो कॉन्स्टेंट है तो सबसे कम कॉस्ट कहाँ पर आएगी डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट में सबसे कम कॉस्ट कहाँ पर आएगी उसको एक्सप्लेन करता है एक्सपेंशन पाथ ओके सो दिस इज ऑल अबाउट थ्यूरी ऑफ प्रोडक्शन और इसी के साथ आज यहाँ पर थ्यूरी ऑफ प्रोडक्शन का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो क्लियर होता है सॉरी खत्म होता है एंड आई होप क्लियर भी होगा तो थ्यूरी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हमने पूरी चार वीडियो बनाई है तो अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ उनको भी जाकर देखिए सो या दिस इज ऑल अबाउट थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू